हाय फ्रेंड, तो आज मैं क्रिसमस के अवसर पे ड्राई फ्रूट्स केक बनाने जा रही हूँ। अब बहुत आसानी से बन जाएगा, तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए और कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम तो शुगर पाउडर मैंने आधी कटोरी लिया है, मैदा एक कटोरी, और ये ड्राई फ्रूट्स है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, और ये दूध है मैंने आधा कप लिया है, गर्म दूध है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, और दो बड़े चम्मच बटर है, और ये मिक्स फ्रूट जूस है, मार्केट में आराम से मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, दो बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क है, और रिफाइंड ऑयल है दो बड़े चम्मच, और ये बेकिंग पाउडर है एक चम्मच, और एक छोटी चम्मच की आधा चम्मच बेकिंग सोडा है, और ये मैंने वनीला एसेंस लिया है। तो देखिए ये जूस है और ये ड्राई फ्रूट्स है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो इसे भिगो के हम लोग अगर 6-7 घंटा के लिए रख देंगे, इस बड़े से ग्लास में रख दीजिएगा, तो इस सबसे अच्छा है, मैंने पहले से ही तैयारी करके रख लिया है, ये देखिए मैंने तैयारी करके पहले से रख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, इसमें दूध को डालेंगे, ज्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा सा, और इसमें शुगर पाउडर पड़ेगा, और इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से, और कंडेंस मिल्क इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे, सारे को मिक्स करना है। और अब हम लोग बटर भी डाल देंगे इसमें, और इसके बाद हम लोग रिफाइंड ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बचा लीजिएगा कंटेनर में लगाने के लिए, और इसके बाद जो ये फ्रूट जूस में मैंने मिक्स फ्रूट रखा, ड्राई फ्रूट्स रखा है, इन सबको मिक्स कर देना है। अब हम लोग इसमें मैदा डालेंगे, जितने ड्राई चीज हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सबको डाल के हम लोग मिक्स करेंगे, इन सारे को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अब हम लोग ये वनीला एसेंस है, ये 2-4 बूंद इसे भी डाल लेना है, लास्ट में डालिएगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर एकदम तैयार है हम लोगों का, और देखिए एक कंटेनर ले लेना है, और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है, और रिफाइंड ऑयल से इसे ग्रीस कर लीजिएगा, और बैटर को इसमें डाल लेना है, और देखिए कंटेनर में मैंने सारा रख दिया है बैटर। अब ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम लोग डालेंगे और ले चलेंगे माइक्रोवेव, और हम लोग माइक्रोवेव में 8 मिनट के लिए रखते हैं, और देखिए ड्राई फ्रूट्स केक भी तैयार हो गया हमारा। इस क्रिसमस पे आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, इसे मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।